तो दोस्तों एप्टर्स हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक आज अराउंड 1-2% नीचे बंद हुआ है लिस्टिंग के दिन। तो यहाँ पर एज ए शेयर होल्डर आपने क्या करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एप्टर्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल पे नजर डालें तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से लगातार यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं कम से कम 20% की ग्रोथ हमें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में हमें कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी हमें एक्सपोनेंशियली तरीके से हर साल यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और खास करके जो मार्जिन परसेंटेज कंपनी के हैं वो भी हर साल हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 0.3% भले ही यहाँ पे मार्जिन कम हुआ है लेकिन देखिए 40% का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। और कोविड के टाइम पे भी अगर कंपनी ने ये मार्जिन को मेंटेन करके रखा हुआ है तो इनका कस्टमर बेस काफी अच्छा है। और देखिए मेन बात ये है कि इनके जो लोन्स हैं वो अधिकतर रिटेल लोन्स ही होते हैं, यानी कि जिनकी इनकम, इन्होंने बोला है कि जिनकी इनकम 50,000 से महीने की कम है, 50,000 से भी उनकी इनकम मंथली कम है, उनका मेन कस्टमर बेस ही वही है। और यहाँ पर ये लोन भी ऐसे देते कि कस्टमर क्या पे कर पाएगा या नहीं वो देखकर पूरा यहाँ पे लोन दिया जाता है, और कोलेटरल भी ये लोग लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट होते हैं तो हमने कॉर्पोरेट लोन में देखे तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस भी कम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं। और जो इसकी जो दूसरी खास बात है वो इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग। देखिए 74.87% का स्टेक उनका आईपीओ से पहले था और अभी यहाँ पर उनका 72.23% है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनकी शेयर होल्डिंग भी अभी 70% से ज़्यादा है, और अगर 50% की भी अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आने वाले टाइम पर अगर अपने जो इनके जो कंपनी के प्रमोटर्स है 3-4% का स्टेक अगर और बेचते हैं मेरे ख्याल से कुछ नेगेटिव मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा का स्टेक अगर प्रमोटर्स का है तो वो ये दिखाता है कि कंपनी को अपने मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी पे भरोसा है कि आने वाले टाइम पे भी ये कंपनी जो ग्रोथ अभी दिखा रही है तो आने वाले टाइम पे भी वो ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। अब ये देखिए 346 अराउंड 1.5% के लगभग ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है नीचे अगर हम इश्यू प्राइस के कंपैरिजन में बात करें तो। लेकिन देखिए आईपीओ की अगर हम कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात करें कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि इसका जो साइज था वो बहुत ज़्यादा था और 35% का रिटेल कोटा भी था, यानी कि अराउंड 1,000 करोड़ का अगर रिटेल कोटा होगा तो वहाँ पे अगर ऑलमोस्ट सबको शेयर्स मिल जाएंगे तो लिस्टिंग के दिन खरीदेगा कौन, तो ये एक इश्यू बहुत रहता है। लेकिन देखिए UTAMC को अगर आप देखोगे उसके भी फंडामेंटल्स एकदम अच्छे थे, डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था लेकिन वो हमें अभी डबल पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिन्होंने अभी तक UTAMC को होल्ड किया हुआ है उनको भी 100% के रिटर्न उसमें मिल रहे हैं। तो मुझे एप्टर्स वैली हाउसिंग फाइनेंस भी वैसा नजर आता है कि कंपनी कोविड के टाइम में भी कंपनी ने 25% की ग्रोथ दिखाई है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा भी सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा है, डिमांड उतना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी मुझे लगता है कि वहां पे मार्केट में भी स्टॉक को वैसे रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तो ये पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक है, अगर देखा जाए एक पेशेंट इन्वेस्टर का स्टॉक है। तो यहां पर अगर आप एक एग्रेसिव हो मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर या कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर कैसे भी इन्वेस्टर अगर आप हैं मेरे ख्याल से आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपका व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की ये स्टॉक हो सकता है, क्योंकि अभी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो वहाँ पे सप्लाई जब ज़्यादा होता है तो स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मुझे ये स्टॉक अभी अच्छा नजर नहीं आता है। ज़्यादा रिस्की स्टॉक भी मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें अगर पिछले 4 साल से हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।